नमस्कार दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का अदरक का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में अदरक की कितनी गाड़ियां आई, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। जो स्पेशल अदरक के बेचने वाले अपने राजू कोल्ली भाई साहब जी है, जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का अदरक का अपडेट करो, मंडी क्या कह रही जी। नमस्कार जी, टोटल 32 गाड़ी है जी। 32 फिर तो कल से बढ़ गई जी। तो बढ़ गई। अच्छा जी, 5 मोटे की है और 27 जो गाड़ी है बेंगलोर की है। हाँ जी, बेंगलोर का बढ़िया जो हसन क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी माल है। हाँ जी, वो बिक रहा है 32 से लेके 34 रुपए किलो। अच्छा जी, और रिगोड़ी शिकारीपुर के माल जो बिक रहे हैं वो 28 से लेके 32 रुपए किलो। फिर ये तो कल से बाजार गिर गया जी। नहीं, एवरेज कर हमेशा एक हफ्ते से यही बाजार चल रहा है। हाँ जी, दूसरा मोटे की पोजीशन है 14 रुपए से लेके 20 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ जी, आज एक गाड़ी ये औरंगाबाद की आई है, पहली बार आई, क्वालिटी बढ़िया है। हाँ जी, और 23-24 रुपए बोल रहे हैं, देखो 20-22 रुपए की पोजीशन इसकी। ये औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र वाला जी। हाँ, महाराष्ट्र का जी, पहली गाड़ी आई है। महाराष्ट्र का ऐसा माल होता है जी ये? हाँ जी, ये वहाँ की बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा जी, दिल्ली के अंदर अभी बाजार डाउन है। हाँ जी, इसलिए इसकी डिमांड कम है। एक ही गाड़ी आई है, देखते हैं क्या। फिर भी बेंगलोर के आगे तो नहीं चल पाएगा जी ये? चलता है ये, लेकिन पहले बेंगलोर बिकेगा बढ़िया माल, उसके बाद में दोपहर में 2-3 घंटे बाद ये चलेगा। मैं तो आज पहले दिन देखी जी, महाराष्ट्र का माल ऐसा होता है जी ये? हाँ जी, महाराष्ट्र की पहली गाड़ी आई है। अच्छा जी, तो फिर आज की बिक्री क्या कह रही जी कल के मुकाबला? बिक्री ठीक है सर, बाकी नवरात्रे और रोजे इस टाइम दो हैं। हाँ जी, दोनों त्यौहार इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम त्यौहार दोनों इकट्ठे हैं। हाँ जी, आज के दिन में थोड़ा त्यौहार है, लोग नवरात्रे वगैरह रखते हैं। हाँ जी, तो शायद कल से मालिक ने चाहा तो बिक्री खुलनी चाहिए हमारी। अच्छा जी, माल बिक जाएगा जी सारे का सारा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की दया से माल बिकेगा जरूर। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने। भाई साहब, दुकान का एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जी? ओम साई जिंजर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 242। हाँ जी, मोबाइल नंबर 9810123534, 9810121934, राजू कोहली। अच्छा सर जी, पहले भी आपने माल बेचा महाराष्ट्र का? पहली बार आया? पहली बार आया गाड़ी इस साल, इस सीजन में पहली बार आया। सीजन में पहली बार? पहले आता था कभी? पहले आता था जब तेजी का मॉल होता था, तब औरंगाबाद बिकता था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। तो बात करते हैं नींबू की, जानते हैं नींबू का, जानते हैं नींबू का आज का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों ये 2000 रुपये का गया कट्टा, यानी 25 किलो का कट्टा होता है ये 2000 रुपये का। जानते हैं वरुण चौधरी जी से आज की क्या कुछ रिपोर्ट रही मंडी की, कितनी गाड़ियां हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, ये 2000 का जो कट्टा गया कि दो कट्टे गए जी हैं? ऐसा है, ये दो कट्टे का रेट 2000 रुपये बिका है। हाँ जी, आजादपुर मंडी में 4 गाड़ी टोटल है, सिर्फ 4 गाड़ी। 3-4 दिन से माल क्यों नहीं आ रहा जी आपके पास में? तो इसका कारण ये है, जो टोटल देश में आंध्र प्रदेश में अभी 11 है। हाँ जी, और वो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र तक नींबू, और ये क्या कहते हैं बंगाल, हाँ जी, उड़ीसा, हर जगह वहीं से नींबू जाता है। हाँ जी, इस बार फसल गुजरात में तूफान आने के कारण कम लगा। हाँ जी, इसके कारण से टोटल 22-23 गाड़ी आमदनी है पूरा देश में, आंध्र प्रदेश में टोटल जी वहाँ से। हाँ टोटल, और खाने वाले 130 करोड़ लोग हैं। हाँ जी, इसलिए इस बार रेट 100 रुपए किलो से 130-140 रुपए किलो तक जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, तो अभी नहीं आपके पास पहले 2-3 दिन नींबू आया जी, ये खाली चलती रही जी मार्केट में? अब मंडी में 4 गाड़ी है, तो कभी मेरे पास लग गया, कभी और के पास लग गया, ये तो चलता रहता है। जैसे हमारे व्यापारी हैं। नहीं, 4 गाड़ी अकेले के पास तो नहीं होगी जी आपके, और आड़तियों पे भी होगी जी? नहीं नहीं, ये ना इलाका इलाका का होता है। जैसे आज आपके पास माल आ गया, आपने भेज दिया, दूसरे के पास भी जो व्यापारी है वो भेज दिए। हाँ जी, तो इस कारण से कभी इनके पास, कभी इनके पास, कभी आपके पास, तो एक ही गाड़ी है जी? हाँ, एक ही गाड़ी है जी। अच्छा जी, टोटल एक गाड़ी है। तो आज का क्या बाजार चला जी, हाईएस्ट? आज का बाजार है हाईएस्ट 2000 रुपए से 3200-3300 रुपए तक। 2000 से लेकर 3200-3300 रुपए कितने का जी? मतलब 24-25 किलो का वजन है, 24-25 किलो नींबू का वजन जो इकट्ठा है। हाँ, है, हाँ जो भी है। हाँ, 2000 रुपए से लेकर 3200-3300 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी, जितना बढ़िया नींबू होगा पीला उसी हिसाब से उसका रेट अगर है। ये नींबू थोड़ा वो आता है, हरा आता है। हाँ जी, यही गडूर का माल होता है, पीला आता है,
उसको थोड़ा सा 5 रुपए किलो ऊपर मिलता है रेट, इसको 2-3 रुपए किलो कम मिलता है क्योंकि हरा माल होता है। फिर किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया अभी मौका है जी, जो मान लो ऐसे छोटे छोटे नींबू को तोड़ के बेच रहे जी, आगे ना जाने आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा जी। फिर ये देखो ना जी, जो बंदा इसको तोड़ के बेच लेगा उनके तो पैसे अब आ जाएंगे। देखो ये वक्त बिक रहा है और किसान भाई को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, सिर्फ ये वक्त बिक रहा है। हाँ जी, इसमें जूस कम होंगे लेकिन फिर भी लोगों को नींबू का स्वाद तो चाहिए। हाँ जी हाँ जी, तो स्वाद के लिए अभी नींबू बिक रहा है और हाईएस्ट रेट है मेरे लाइफ में 32 साल का कैरियर में। हाँ जी, ये पहला रेट है। एक बार हड़ताल हुआ था तो फ्लाइट से नींबू आया था। हाँ जी, तो उसमें भी 70-80 रुपए किलो से नींबू ऊपर नहीं हुआ था। अच्छा जी, ये देश का मेरे हिसाब मेरे 32 साल के कैरियर में ये पहला रेट है, इतना हाई है। 30 रुपए किलो तक, 40 रुपए किलो तक रेट गया है। ये तो थोक का बता रहे ना जी, मार्केट में तो कहीं ज्यादा पड़ेगा जी। देखो जी, मार्केट में क्या है, उनका वजन भी सूखेगा। मार्केट में 40 किलो अगर कोई माल बेचेगा तो 5 किलो उसमें शॉर्ट हो जाएगा, आधा आधा किलो तौलने में। अच्छा जी, 3-4-5 किलो शाम तक सूख जाएगा। हाँ जी, तो लगा लो वो 20 रुपए किलो मुनाफा लेगा, तब उसे 2 रुपए किलो बचेगा। हाँ जी, क्योंकि उनका 2 मियां बीवी रहते हैं या 2 बच्चे, एक स्टाफ पे काम करते हैं, तो उनको अगर 40 किलो नींबू बेचेगा तो 200-300 रुपए आमदनी होगा। और यही टीवी के माध्यम से दिखा दिया जाएगा तो देखो जी, वहाँ 130 रुपए लिया, 150 बेच रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हकीकत यही है, जो 40 किलो नींबू को अगर तोलेगा आधा आधा किलो करके तो 5 किलो वजन कम हो जाता है। सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, जुक तो है, हाँ, अंडा चाहिए, और उसमें धनिया भी फ्री चाहिए और मिर्ची भी फ्री चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ये हमारा भाई बाजार में बेचता है, इनसे हाँ भी पूछो जो क्या हाल है। हाँ जी, तो दिल्ली में ही बेचते हैं भाई साहब जी? आप दिल्ली में ही बेचते हो? यहाँ पर जाफराबाद, जाफराबाद में नींबू यहाँ से खरीद के ले जाते हो? यहाँ से ले आते। तो कैसी बिक्री हो रही है आपकी बार बार? अब की साल तो सबसे हाई रेट है यहाँ पे। अच्छा जी जी, चलो 120 रुपए रिटेल में बेचते हैं, यहाँ पे 150 रुपए में मिल रहा। अच्छा जी जी, एक अब 150। चलो करो जो करो, जो जनता की सेवा करो जो, धन्यवाद जी। इनका कहना है जो ये जैसे नींबू ले जाते हैं तो 140 रुपए खरीद के 120 रुपए किलो बेचते हैं। हाँ जी, उसके साथ 10-20 आइटम होता है सब्जी का, तो कोई नींबू पूछता है तो ये बहाना से 20 रुपए 100 रुपए मतलब ये 5 किलो में घाटा करते हैं। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है, जो मेरे रेडी पे जो 20 आइटम होता है, घिया, तोरी, भिंडी, करेला, गाजर, मतलब 20-30 आइटम बेचते हैं, तो 5 किलो में 100 रुपए घाटा। इस चीज को रेट टू रेट या रेट से कम में दे देंगे और चीज में कमा लेंगे। हाँ, और चीज में कमा लेंगे। अच्छा जी, अच्छा, मजबूरी है, अब जीना जरूरी है। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी, दुकान का एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जी? सब्जी मंडी आजादपुर, A248 9811009238। अच्छा, धन्यवाद सर जी, वरुण चौधरी एंड सन। धन्यवाद जी।